तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। ग्रोथ काइनेटिक्स के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है, इन डेवलपिंग अ स्ट्रक्चर्ड मॉडल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ वी सेपरेट द पॉपुलेशन बाय एज। नो, हम पॉपुलेशन को एज के वाइज सेपरेट नहीं करते। कंपार्टमेंटलाइज द सेल इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, सिर्फ कहते हैं कि सेल को अलग अलग कंपोनेंट में कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, कंपार्टमेंट को अलग अलग करते हैं कि ये पोर्शन जो है हमें चाहिए, बायोमास चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ये करते। सेपरेट द सेल बाय एज एंड आल्सो कंपार्टमेंटलाइज इट एंड ट्रीट द सेल्स टू बी कंपोज्ड ऑफ सिंगल कंपोनेंट ओनली। तो जनरली क्या होता है कि जब भी हम माइक्रोबियल सेल ग्रोथ करते हैं तो उसको कंपार्टमेंटलाइज करते हैं कि ये हमें बायोमास चाहिए, कि हमें प्रोडक्ट चाहिए, क्या चाहिए एक्चुअली, वो चीज़ हम एक्चुअली करते हैं। तो दिस इज द बी जो कि करेक्ट आंसर जो होगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, लाइक वॉट विल बी द जनरेशन टाइम फॉर द कल्चर विथ स्पेसिफिक ग्रोथ कॉन्स्टेंट फॉर 0.0 लाइक मिनट पर इनवर्स। ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने आंसर पे जाने से पहले ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने के की वैल्यू दी हुई है और जनरेशन टाइम पूछा है। सो जनरेशन टाइम या हाफ टाइम जिसको बोला जाता है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम दैट इज़ ऑल्सो नोन एज टी हाफ, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज, दैट इज रिप्रेजेंटेड एट ln2 डिवाइडेड बाई के, या इसको बोला जाता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। के की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है के एंड द के वैल्यू 0.01 पर मिनट, मिनट इनवर्स, ये वैल्यू के की दी हुई है, ठीक है। पुट द वैल्यू हियर, तो 0.693 डिवाइडेड बाय 0.01 मिनट इनवर्स, हमेशा यूनिट के साथ रखें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको अगर सॉल्व करोगे, नीचे 100 का मल्टीप्लाई करो, ऊपर करोगे तो नीचे 1 बचेगा और ऊपर आ जाएगा 69.3 मिनट, ऊपर जाके हो जाएगा मिनट। यानी ये जो है जनरेशन टाइम क्या हो जाएगा, 69.3 मिनट। अब इसमें देखेंगे तो 69.3 मिनट ऑप्शन नहीं है, कुछ यूनिट आर्स में दिए हुए हैं। तो चलिए आर्स में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1 आवर में आपको पता है कि क्या होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर इस वैल्यू को हम 60 मिनट से डिवाइड कर दें तो हमें आवर में पता चल जाएगा दैट जनरेशन टाइम, जनरेशन टाइम जो है दैट इज इन आर, आर में क्या हो जाएगा दैट 69.3 डिवाइडेड बाई 60 एंड इट विल बी 1.15 आवर। तो आर में ये वैल्यू आ जाएगी, मिनट में ये रहेगा और आर में ये रहेगा। तो इन्होंने आर और मिनट को रखा हुआ था, तो या तो ये आंसर होता या तो ये होता, ये दिया नहीं है तो आपको ये मिल जाएगा जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, दैट इज द फर्स्ट वन, इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द थर्ड क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ काइनेटिक्स, दैट फॉर अ माइक्रोबियल कल्चर इफ द डबलिंग टाइम इज 0.231 आवर, इन्होंने डबलिंग टाइम दे रखा है यानी टी हाफ दे रखा है, फॉर द स्पेसिफिक ग्रोथ रेट आपको आर में ही बताना है विल बी, क्या होगा। ये उल्टा इन्होंने पूछ दिया है इस क्वेश्चन में जो अभी हमने सॉल्व किया था। तो चलिए आंसर पे जाने से पहले, सेम डबलिंग टाइम या जनरेशन टाइम एक ही होता है, आप डबलिंग टाइम बोलिए या इसको जनरेशन टाइम बोलिए, डबलिंग टाइम बोलिए या इसको जनरेशन टाइम बोलिए या इसको हाफ लाइफ बोलिए, बात जो है आपकी एक ही होने वाली है। इस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है ln2/k, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होती है ln2/k होती है। अब यहाँ पे इन्होंने गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है डबलिंग टाइम दैट इज टी हाफ दैट इज 0.231 आवर, ये दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, के पूछा है। तो इस इक्वेशन को अगर जैसा कि मैंने बोला दैट टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, के को अगर रिप्रेजेंट करें तो के हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय 0.231, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पर आवर, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर केस आपको अपीयर हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ये जो आंसर है दैट इज 3 के आसपास आएगा, दैट इज डी। तो आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ डी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है, ठीक है जनाब।
तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट आंसर शुड बी डी। नेक्स्ट, सो फोर्थ क्वेश्चन ऑफ ग्रोथ काइनेटिक्स दैट अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ बैच कल्चर इंक्रीज फ्रॉम 1000 टू द 10 लाख सेल्स इन 5 आवर्स, वॉट इज द जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन सो दैट कि यू कैन गेट द थिंग्स। नाउ देखिएगा, दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे, एक होता है ग्रोथ कॉन्स्टेंट, वन फॉर्मूला दैट इज अ ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट के ऊपर चर्चा करें तो ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट के डिवाइड इक्वल टू 1/T ln NT/N0 होता है। ये एक फॉर्मूला होता है ग्रोथ काइनेटिक्स का, जब आप नॉर्मली क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू N0e^kT, यही होता है। इसको ln के फॉर्म को हटा के इधर ला के तो यही चीज़ चल रही होती है। अगर आप रेट की बात करें तो dN/dt इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n एंड dN/dt इज इक्वल टू kN, n को इधर भेज के इसको इधर जब भेजेंगे तो 1/N(dN) इज इक्वल टू k(dt), इसको इंटीग्रेट करोगे N0 to NT और इसको करोगे 0 to T। तो यहाँ पे जो होता है 1/N का इंटीग्रेशन ln NT/N0 और यहाँ पे हो जाता है k(t). अब k निकालिए चाहे t निकालिए, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि यहाँ से यही चीज़ फॉर्मूला डिराइव होके आ जाती है। ठीक है, अब k ये तो था ग्रोथ रेट कांस्टेंट का जो है फॉर्मूला। नाउ अब ये क्या होता है कि आपको ये भी पता है दैट t½ इज इक्वल टू 0.693/k। तो ये दो चीज़ें ही आपको ग्रोथ काइनेटिक्स में मेजर फोकस करनी है, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला। अगर ये दो फॉर्मूला आपके पास हैं तो समझ लीजिए कि आप ग्रोथ काइनेटिक्स के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखना होता है कि गिवन क्या क्या है। सो हियर गिवन के ऊपर बात करते हैं, तो गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट गिवन। तो गिवन में इन्होंने n0 की वैल्यू दो है, इनिशियल नंबर जो है वो 1000 दिया हुआ है, फाइनल नंबर कितना दिया हुआ है दैट इज 10 लाख। ठीक है ना, ये दिया हुआ है 10000, ये वैल्यू दी हुई है 10 लाख दिया हुआ है। ओके यस, एक और जीरो आएगा ना, ये NT की वैल्यू दी हुई है, इन्होंने टाइम की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ अ 5 आवर, 5 घंटे में यह प्रोसेस हो रहा है। पूछा क्या है इन्होंने, जनरेशन टाइम, व्हाट दे आर आस्किंग, ये पूछे हैं गिवन ये है एंड इन्होंने पूछा क्या है, आस्क क्या किया हुआ है, आस्क किया हुआ है दैट इज t½, कि t½ जो है वो क्या होने वाला है, ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे पूछी। चलिए तो देखने की कोशिश करते हैं, पहले आप इन वैल्यूज़ को जो यहाँ पे दिया हुआ है इससे निकालेंगे के, तो के निकालते हैं। सो के वुड बी दैट इज 1/T यानी 1/5 ln n, अगर इस पर्टिकुलर केस के ऊपर बात करते हैं तो nt की वैल्यू जो है 10^6 और n0 की वैल्यू 10^3, यानी इस चीज़ को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5 ln 10^3 आ जाएगा, 3 को बाहर भेजेंगे तो 3/5 ln 10 और ln 10 की वैल्यू हो 2.303, तो 3 × 2.303/5। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाने वाली है, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। तो दिस इज 3 × 2.303/5, ये वैल्यू आ जाएगा 1.38। ठीक है ना, तो ये वैल्यू है 1.38 आ गया। अगर k की वैल्यू आ गई तो t की वैल्यू भी पता चल जाएगा। k की वैल्यू किस यूनिट में आ रही है, r में आ रही है, क्योंकि ये t आपने r में रखा है तो ये आ जाएगा r इनवर्स। t की वैल्यू जब आप रखेंगे तो 0.693/1.38 r, ये वैल्यू आपने मतलब r इनवर्स रखोगे तो ये ऊपर जाएगा, ये वैल्यू आपको पुट अप करनी है, क्योंकि यहाँ पे आर में रखा है, मिनट में पूछा है आंसर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए मिनट में पूछा है तो आर, ये आर ऊपर जाएगा तो 0.693/1.38 आएगा, ये आर हो जाएगा। अब इसको मिनट में करने के लिए क्या करेंगे, 0.693/1.38 × 60,
ये मिनट में आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये एक वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज़ 0.693 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 1.38 दैट इज़ 30 मिनट अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी 30 मिनट के। तो ये जो है 30 मिनट के आसपास कौन सा आंसर है जरा सा चेक कर लेते हैं, वो है सेकेंड वन। देखिए बी आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है, तो सेकेंड वन इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, हमेशा ध्यान रखे रहिएगा कि यही दो फॉर्मूले जो हैं आपके काम आने वाले हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये फॉर्मूला ध्यान रखें तो ज़िंदगी आपकी सवर जाने वाली है ग्रोथ काइनेटिक्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, दिस वन हियर, एन एनएरोबिक फ्लास्क कंटेनिंग द 50 ml ऑफ मीडिया। एक जो आपके पास एनएरोबिक फ्लास्क है 50 ml ऑफ मीडिया कंटेन कर रहा है विथ अ ग्लूकोज एज अ सोल कार्बन सोर्स, वॉज इनोकुलेटेड विथ अ कंसोर्टियम कंसिस्टिंग ऑफ मिथेनो सार्सिनिया एंड बैसिलस। 50 ml ऑफ ग्लूकोज एज अ सोल कार्बन सोर्स रख रहा है एंड मिथेनो सार्सिनिया एंड बैसिलस को यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर द 2 weeks ऑफ इंक्यूबेशन देयर विल बी, क्या होगा? ध्यान रखिए ये बोल रहा है एनरोबिक फ्लास्क, एनरोबिक फ्लास्क में एनरोबिक बैक्टीरिया आप यूज़ कर रहे हैं, तो एनरोबिक यू आर यूजिंग एनरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। आपके पास जो फ्लास्क पाया जा रहा है, ये फ्लास्क जो है वो एक्चुअली क्या है, वो एनरोबिक है। अगर एनरोबिक में आप ग्लूकोज को यूज़ करोगे तो ग्लूकोज जो है बेसिकली ग्लाइकोलिसिस तक तो जा सकता है, ग्लाइकोलिसिस तक तो जा सकता है, ठीक है भैया ग्लाइकोलिसिस पे जाएगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन डेज मतलब आफ्टर 2 weeks, आपको 2 week की बात करते हैं, तो 2 week में सारा का सारा ग्लूकोज जो है ऑल ग्लूकोज, क्योंकि सोल सोर्स वही है तो ऑल ग्लूकोज विल बी कंज्यूम्ड, ऑल ग्लूकोज विल बी कंज्यूम्ड। अगर सारा का सारा ग्लूकोज कंज्यूम्ड हो चुका होगा सो फिर यहाँ पे देयर इज़ लाइक नो सबस्ट्रेट अवेलेबल। अगर कोई सबस्ट्रेट ही अवेलेबल नहीं होगा, जब सबस्ट्रेट अवेलेबल ही नहीं है तो ग्रोथ होगा क्या, तो देयर विल बी नो ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। सो आफ्टर 2 weeks ये कंडीशन जो है आपको अपीयर हो जाएगी, ठीक है, तो आंसर शुड बी ए। चलिए नेक्स्ट, तो ये था इसका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन है, देखिएगा, क्या पूछा जा रहा है, अ सबस्ट्रेट इज कंज्यूम्ड इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इन्होंने बोला जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये सबस्ट्रेट जो है यूटिलाइज किया जा रहा है, ये चीज मेंशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड हियर कंसंट्रेशन फॉल्स फ्रॉम द 40 ग्राम लीटर टू द 20 ग्राम लीटर इन 4 hours, हाउ लॉन्ग इट विल टेक द सबस्ट्रेट फ्रॉम 20 ग्राम लीटर टू द 2 ग्राम लीटर, क्या होगा, ठीक है। अब इसके लिए काइनेटिक्स जीरो ऑर्डर आपको पता होनी चाहिए तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, तो चलिए एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे हम। तो जीरो ऑर्डर का मतलब ये होता है कि डजंट डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट, डजंट डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट, ये जो है सबस्ट्रेट पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब डी, ठीक है ना, अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से बोलूँ तो डी ए बाई डी टी डैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए टू पावर 0, ये होता है अगर सबस्ट्रेट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो यहाँ पे एक कंडीशन आता है। अब इस कंडीशन को थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं, ए टू पावर 0 प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए टू पावर 0, जीरो ऑर्डर है, किसी के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है तो डी ए बाई डी टी दैट इज इक्वल टू द के, बिकॉज एनी टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा था। अब सिमिलर टी को इधर भेजिए, डी ए जो हो जाएगा इसको इंटीग्रेट करिए ए 0 से ए फाइनल पे, और टी को इधर भेजिए तो के डी टी इसको इंटीग्रेट करिए 0 से टी, ये कंडीशन आपके पास लेके चलनी है, ठीक है।
अब यहाँ तक आपने लेके गए, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो ये हो जाएगा ए टी माइनस ए ज़ीरो दैट इज इक्वल टू द के इंटू टी, ये कंडीशन आपके पास आ गई, राइट। ये है ज़ीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स, ये किसकी है, ज़ीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स। जबकि फर्स्ट ऑर्डर होता तो यहीं पे वो होता एल एन ए टी अपॉन ए नॉट दैट इज इक्वल टू द की टी, ये होता तो ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर आपको यहाँ पे अपीयर हो रहा है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब ज़ीरो ऑर्डर में इन्होंने एक बार आपको दिया हुआ है कि चार घंटे में क्या हो रहा है, तो आपको के कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो k का फॉर्मूला जरा सा इस चीज़ से मैनिपुलेट करिए, तो k विल बी ए टी या ए फाइनल माइनस ए इनिशियल डिवाइडेड बाय t। तो ए फाइनल क्या है, दैट इज 40 ग्राम, यहाँ पे अगर देखें तो ए फाइनल है 40, फिर ए इनिशियल है 20, टी दिया हुआ है 4R, ये दिया हुआ है। इसके बाद एक जगह पे पूछ रहा है ए फाइनल दिया हुआ है 20, सॉरी ए इनिशियल दिया हुआ है 20, ए फाइनल दिया हुआ है, ये उल्टा मैंने लिख दिया क्योंकि सबस्ट्रेट कंज्यूम हो रहा है, तो ए फाइनल दिया हुआ है 20, ए इनिशियल दिया हुआ 40। और दूसरी वाले इक्वेशन में ए इनिशियल, ये है ए इनिशियल, ये है ए फाइनल, ये है ए इनिशियल और ये है ए फाइनल जो बाद वाला है, और ये है टी, तो एग्जैक्टली ये है 2 एंड यहाँ पे टी पूछ रहा है। तो इससे पहले के निकालिए, फाइनल जो है वो है 20, ठीक है ना, ये माइनस में आएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक्चुअली नॉर्मल तरीके से अगर बात करूं तो माइनस में आएगा तो ये चीज़ रिलेट हो जाएगी, तो इसको हम माइनस यहाँ पे आगे रखे रहेंगे। तो ये माइनस है, माइनस में क्या हो जाएगा, दैट इज़ 20 माइनस 40 डिवाइडेड बाई टी, माइनस 20 टी डिवाइडेड बाई 4 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज़ 5, के की वैल्यू आ गई 5। नाउ इसी इक्वेशन से अगर t को मैनिपुलेट करें तो t विल बी ए टी माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाई k, आगे माइनस हो जाएगा। तो इसमें t की वैल्यू है 2, ठीक है, माइनस है 20 और k की वैल्यू है 5, यहाँ पे है आपका माइनस, जब ये करोगे तो प्लस 18 आ जाएगा अल्टीमेटली डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 3.6 R। तो 3.6 R जो है यहाँ पे लगने वाले हैं, दैट इज c, ये आपका अपीयर हो जाएगा, ठीक है सी। तो इस तरीके से आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का ये इक्वेशन के और टी का ध्यान रखे रहिएगा, दिस इज द इक्वेशन जो कि आपको काम आने वाला है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में, तो आंसर वुड बी सी, ठीक है ना, आंसर जो है आपको सी आ जाने वाला है। नेक्स्ट, ये सेवेंथ क्वेश्चन है, दैट अगेन एन ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट द मोनोड ग्रोथ विद द फॉलोइंग पैरामीटर, मोनोड ग्रोथ के ऊपर बात करें, वेयर म्यू एम इज 0.6 पर आर है, के एस इज 4 ग्राम पर लीटर, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पूछा जा रहा है अगर कंसंट्रेशन 2 ग्राम पर लीटर है। मोनोड इक्वेशन इज वेरी सिमिलर टू द माइकलिस मेंसन इक्वेशन। अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम में एमएम इक्वेशन होता है या ब्रिक्स एंड हल्डाने इक्वेशन होता है, वेयर वी इज इक्वल टू V max into S Km plus S होता है, ये आपका होता है एंजाइम के केस में। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेल के केस में, तो सेल के केस में होता है मोनोड इक्वेशन। मोनोड इक्वेशन कहता है म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू एस के एस प्लस एस, दिस इज द मोनोड इक्वेशन, ये मोनोड इक्वेशन है। क्वेश्चन में गिवन है क्या, दैट इज म्यू एम, म्यू एम की वैल्यू गिवन है मैक्स, दैट इज 0.6 पर आर, के एस है कितना दिया हुआ है 4 ग्राम पर लीटर, 4 ग्राम पर लीटर, सबस्ट्रेट है 2 ग्राम पर लीटर, ये गिवन है। यूनिट सारी चीज़ें क्लियर है तो टेंशन की जरूरत नहीं है, जस्ट पुट इन दिस इक्वेशन, म्यू मैक्स की वैल्यू 0.6, सबस्ट्रेट की वैल्यू 2, के एस की वैल्यू 4 एंड सब्स्टिट्यूट की वैल्यू 2, तो दिस इज 0.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, ये अगर देखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ऊपर 0